सप्तगिरी और गांधीनगर कौन जाता है? मैं जाता हूँ। ठीक है लो पकड़ो, लो ये इंग्लिश वाला भी। बॉडी नीचे उतारने के लिए कहो। जरा वो पेपर उठाना। मैंने बहुत से फेक एनकाउंटर करके बहुत से परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। इस बात ने मेरी आत्मा को झंझोर दिया। उसका प्रायश्चित करने के लिए ही मैंने ये आत्महत्या की है, अब्दुल्ला। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी काम करो। हाँ भैया, ये कहाँ डालना है? ये ले जाके वहाँ डालो। नमस्ते साहब जी। नमस्ते सर। हाँ जरा देख कर काम करना। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। ए देख के संभल के जा। क्या हुआ गणेश? नमस्ते साहब। क्या हुआ, जब देखो तो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, क्या बात है? ऐसा नहीं है सर, दरअसल यहाँ मैसूर में एक भी बिल्डिंग 4 मंजिल से ज्यादा ऊंची नहीं है। ऐसा क्यों? मैं यही सोचता रहता हूँ, सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा है। गणेश, ये जो मैसूर है परंपरा वाला नगर है और इसका जो नाम है वो मैसूर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, इसीलिए बिल्डिंग उससे नीचे बनी है। यहाँ के लोग इस राजमहल के गौरव के लिए एक प्रकार का फैसला कर चुके हैं कि यहाँ कोई भी बिल्डिंग उससे ऊंची नहीं होनी चाहिए और सब लोग इसका पालन करते हैं। ग्रेट सर, वेरी 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 ग्रेट सर। कौन, मैं या यहाँ के लोग? अब चल, सीमेंट का जो लोड मंगवाया था वो पहुँचा के नहीं देखना, जरा वहाँ जाके मालूम करो। अभी देखता हूँ। हाँ हाँ, अब जल्दी जाओ ना। रुको, मैं भी उधर आ रहा हूँ। ये तो क्या कर रहा है, सीमेंट क्यों कम लगा रहा है? कम नहीं है साहब। तुझे नहीं दिख रहा है? तू एक काम कर, सामने दूसरी मंजिल के ऊपर जा और सामने की बिल्डिंग देख, पता चलेगा कैसे बनाई है। अबे हल्का सीमेंट लगाएगा और बिल्डिंग गिर जाएगी तो लोग दब के मर जाएंगे। जानता हूँ। तू क्या जानता है, हमें नगर को बसाना है, उजाड़ना नहीं। और सीमेंट मिला? ए, क्या करो, जल्दी जल्दी हाथ चला के काम करो, काम चोरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Hey, तेरी ऐसी की तैसी, इधर आ। अभी आई। अच्छी हो ना? आप कौन है मैं जानती नहीं हूँ। क्यों ना बैठ के बात करें? लेकिन मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। थोड़ी देर की ही तो बात है, आ जाओ। अरे घर तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, बैठो। अरे बैठो ना। सर घर में नहीं है? कौन? तुम्हारे पति। हाँ, वो बस अभी आते होंगे। घर में मेहमान आए तो टी कॉफी कुछ पूछते नहीं है क्या? अभी लाती हूँ। पल्लवी, टिफिन रेडी है? हाय पल्लवी। हाँ? इधर आओ ना, जरा यहाँ बैठो। आ जाओ आ जाओ। कोई बात नहीं, आओ बैठो, घबराओ नहीं, आ जाओ यहाँ बैठो। तुम जाओ ना कॉफी लेकर आओ, कोई बात नहीं, जाओ। सो पल्लवी यही है, फर्स्ट BSc, पढ़ाई में फर्स्ट, स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट और क्राइम में भी फर्स्ट। क्या ये सच है सर? पूछ लो। क्राइम में? मैंने कौन सा क्राइम किया? गुड क्वेश्चन। ठीक है तो मैं साफ साफ बताता हूँ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब्दुल्ला की मौत का तुम्हारे साथ क्या संबंध है? सर उस खून का मुझसे कोई संबंध नहीं है। देखा, मैं मौत बोल रहा हूँ, तुम खून कह रही हो। तुम वहाँ क्या कर रही थी? कहाँ, गरुड़ा मॉल में? मैं तो वहाँ गई नहीं। देखा, खून हुआ है जानती हो, खून गरुड़ा मॉल में हुआ है जानती हो, कैसे?
वो टीवी में देखा था, न्यूज में दिखा रहे थे। टीवी में आजकल जितनी भी खबरें आती हैं, वो सुनकर महिलाएं अगले दिन सुबह सुबह अपने दूसरे कामों में पड़कर शाम तक क्या खबर थी ये भूल जाती हैं। और वो क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे सन्न से याद आ जाती हैं। तुम मॉल गई थी ना, क्योंकि ये आईडी कार्ड। मैं सुनना चाहता हूँ सच्चाई। सर, डिपार्टमेंट में अब्दुल्ला, हेमंत, सिद्धार्थ, ये तीनों लोग टफ कॉप्स के नाम से जाने जाते हैं। तीनों हमारे रोल मॉडल थे, इसलिए तीनों में से हमारे कॉलेज डे के फंक्शन में किसी एक को चीफ गेस्ट बनाने का डिसाइड किया था। कमिश्नर ऑफिस में देकर आजा। Excuse me, sir. प्लीज सर। थैंक्स फॉर द फ्लावर्स। सर, नेक्स्ट संडे हमारे कॉलेज डे का फंक्शन है, प्लीज उसमें आपको चीफ गेस्ट बन के आना ही होगा। सर, आप चीफ गेस्ट बनकर आएंगे ऐसा हम बोल चुके हैं, प्लीज सर। प्लीज सर। जब आप इतने प्यार से बोल रही हैं, तो मैं वहाँ पर जरूर आऊंगा। 100% आई विल बी देयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कॉलेज डे के फंक्शन में जब वो प्राइज दे रहे थे, तो उनका व्यवहार ठीक नहीं था। जब मैं एक्टिविटीज से वापस आ रही थी तो ए, कौन हो, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, ए, छोड़ो, हेल्प मी प्लीज, ए, छोड़ो छोड़ो मुझे, उतर मुझे कहाँ ले जा रहे हो, चल उतर, पकड़ो 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 पकड़ो। सर, ये गुंडे लोग मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। प्लीज हेल्प मी सर, मेहरबानी करके मुझे बचाइए। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? प्लीज सर, प्लीज। पल्लवी, पेड़ पर जब कोई फल पक जाता है तो कोई हाथों से तोड़ के खाता है या पत्थर से तोड़ के खाता है, लेकिन खाए बिना नहीं रहता है। और मेरी नजर में लड़की और फल दोनों एक जैसे हैं। यू कमीने, जिद्दी लड़की के लिए अकड़ू लड़का ही सही रहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। और जब मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ, तो मुझ पे हाथ उठाने वाला कौन है? हाँ, तू तेरी मौत। मैं कौन हूं जानता है? जो इंसान 5 मिनट में मरने वाला हो, उसके बारे में क्या जाने? तू है? पहचान लिया अब्दुल्ला, मौत के लक्षण तेरे चेहरे पे दिख रहे हैं। लगता है तू हिंदुस्तान के कानून को अपने अधिकार में लेकर हिंदुस्तान की लड़कियों को अपना यूनिफॉर्म समझता है।
तुम्हें बचाने वाला कैसा दिखता है? वो सर अंधेरा था, डर भी था, मैंने ठीक से चेहरा नहीं देखा, है ना? वो तुम अच्छी स्टूडेंट हो, अच्छी पढ़ाई करो, अनजान मुजरिम का केस बनाओ। यस सर। हे, कौन है वहाँ? जल्दी ले क्या? hey, तू काहे को चिल्ला रहा है रे? तो फिर अब्दुल्ला ने आत्महत्या क्यों की ये पता नहीं? हम चुपचाप बैठे क्या? टेंशन काहे का? hey, मैं टेंशन मोल नहीं लेता हूँ, दूसरों को दिया करता हूँ टेंशन। एकदम करेक्ट कहा सर। ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, इट्स रेडी सर। सर सर सर, ऐसे ही क्यों पी रहे हैं? वहाँ आइस क्यूब्स हैं। हे, यहाँ रख के अपना काम करना जा। सॉरी सर, आई एम सॉरी अगेन, आई एम रियली सो सॉरी सर, थैंक यू। सर आपके साथ में अब्दुल्ला भी रहता था ना? यस सर, कानून मानता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, और ये बात आपके डिपार्टमेंट ने भी स्वीकार ली है, जो कि गलत है। एक्चुअली उनका खून हुआ है। सर, जहां तक मेरा ख्याल है कि इसमें उनके दफनाने का काम भी जल्दी से पूरा हो गया, सबूत कुछ नहीं मिला, शरीर पर कुछ निशान भी पाए गए, इसलिए संदेह होता है कि हो ना हो ये एक खून है ना सर? तो फिर वो सुसाइड नोट? क्यों सर, आप तीनों लोग इस शहर के सुपर कॉप्स हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऐसा खिताब भी मिला है, रोजाना आप लोगों से न जाने कितने लोग ऑटोग्राफ लेते होंगे, हो सकता है किसी ने अब्दुल्ला साहब से ऑटोग्राफ लिया होगा पेपर फोल्ड करके। ऑटोग्राफ प्लीज। अब्दुल साहब के ऑटोग्राफ को डेथ नोट बना दिया होगा। कौन है तू? कौन है तू? जल्दी बता, बताता है या नहीं, बोल कौन है? घर में बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें सुधारने के लिए माँ बाप होते हैं। स्कूल में अगर कोई गलती करता है तो उस गलती को सुधारने के लिए मास्टर होता है, और अगर समाज में गलती होती है तो सुधारने के लिए तुम्हारे जैसे पुलिस वाले होते हैं, और जब तुम जैसे पुलिस वाले गलती करते हैं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए CBI होती है। चंद्रकांत राणे फ्रॉम CBI। सॉरी सर। दैट्स बेटर। अब्दुल्ला के बुद्धिशाली खूनी को पकड़ने के लिए आई नीड योर मैक्सिमम सपोर्ट एंड फुल कोऑपरेशन, क्लियर? यस सर। यस सर। ग्रेट। वो बुद्धिशाली इसके हाथ लगे उससे पहले ही हमें उसका शिकार करना होगा। क्या बात है शास्त्री जी, पूजा बहुत ही जोरों से चल रही है। मैं पैसों के लिए करता हूँ लक्ष्मी पूजा, और मेरा बेटा बुद्धि के लिए करता है सरस्वती पूजा। शास्त्री जी, बिल गेट्स ने क्या लक्ष्मी पूजा की, आइंस्टाइन ने क्या सरस्वती की पूजा की, लेकिन उनके जैसे दिमाग वाला, उनकी जैसी बुद्धि वाला कोई नहीं है। डैडी, अब से ये मैं पूजा नहीं करूंगा।
ए, ये क्या शास्त्री जी, बेटा ऐसा बोल रहा है? तू आ गया है ना, अब कोई काम नहीं बनेगा। तो मैं चलता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाता है। बाय। हेलो हेलो, कौन है? मैं हूँ। यहाँ से मैं फोन में बोल रहा हूँ। और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। लकी, तुझे बेचने का एड दिए 4 दिन हो गए, लेकिन खरीदने वाले एक भी नहीं आया। ये क्या तुम्हारे लिए ठीक है? हाँ, आने जाने वाले सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं। देखो, अगर तुम वाकई भगवान हो तो इस खटारा को खरीदने के लिए कोई एक अच्छा सा बकरा भेज दो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे विष्णु कौन है? वो जो स्कूटर के पास खड़ा है ना? हाँ, वही है। थैंक यू। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, नाइस टू मीट यू। हाय। सॉरी, तुम ही क्या सेल्स के लिए? मैं नहीं, गाड़ी, मेरी लकी। या आई मीन गाड़ी ओनली। लेकिन बेचने का मन नहीं है, वो इसलिए कि ये मेरे लिए भगवान समान है, आई मीन माँ के समान है। अगर तुम्हारा इतना ही सेंटिमेंट है तो क्यों बेच रहे हो? इसे यही रखो, मैं कहीं और ढूंढती। अरे बाप रे, हेलो हेलो, आइए 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 प्लीज। बात ये है कि घर में अगर कोई लड़की हो तो हम उसे ऐसे ही नहीं भेजते ना, शादी होने के बाद ही उसे विदा करते हैं। ठीक वैसे ही इस गाड़ी के साथ मेरे सेंटिमेंट है। रेट कितना है? वैसे ऑफिस में तो 17,000 तक बोला था, लेकिन तुम्हारे लिए 15,000। ऐसा क्यों, मेरे लिए कम है? इसलिए कि तुम एक लड़की हो, मेरी फीलिंग को अच्छी तरह समझ पाओगी, इसीलिए 2,000 रुपए का डिस्काउंट। ओह, सेम टू सेम सेंटीमेंट। या वन सेकेंड। ये लो। थैंक यू। देखो, चाबी यहाँ है, RC बुक और ट्रांसफर पेपर अंदर हैं, और इसकी जो किक है, स्टैंड यहाँ पर है। That's it. सेल्फ नहीं है? अरे, सेल्फ यहाँ पर है ना। फेदर टच है, बस टच करना काफी है। प्लीज प्लीज प्लीज, आइए आइए। हाँ, वाओ, थैंक यू। या प्लीज, एक्सक्यूज मी, मेरी लकी का जरा ख्याल रखना प्लीज। डोंट वरी, गाड़ी की तरह नहीं, लड़की की तरह ख्याल रखूंगी। बाय बाय। मैंने कुछ भी करके अपनी गाड़ी को आज ठिकाने लगा ही दिया। अरे बाप रे, मुझे भी तो काम पे जाना है। शिट, तुम विष्णु हो ना? ऑफ कोर्स। सुनो, ये गाड़ी बिल्कुल ठीक नहीं है। कौन, मेरी लकी? क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो रही है। मैडम, नीचे उसके किक है, किक मारने से स्टार्ट होगी, किक मार के देखो ना। सुनो, कई बार किक मार के देख लिया, स्टार्ट होके बंद हो जाती है। मैडम, इंसान का कभी कभी मूड ऑफ होता है, तो क्या गाड़ी का नहीं होगा? उपदेश मत दो, तुमने खटारा देकर मुझे टोपी पहनाई, वापस ले लो। ओ, तुम क्या समझती हो, जितने पैसे तुमने दिए हैं उतने में क्या किसी शोरूम से तुम्हें नई गाड़ी मिलेगी? ये धोखाधड़ी है, मैं कंप्लेन करूंगी। देखो, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वालों को कुछ नहीं होता, तो इसका क्या होगा? नहीं दे सकता, कट। हेलो हेलो, ओ गॉड, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे ए, क्या हुआ विष्णु? अरे तुम चुप रहो ना। हेलो रेखा, क्या हुआ विष्णु? ये कंप्यूटर सेकंड हैंड है, ठीक से काम ही नहीं करता है, एक काम करना होगा, सारे सेकंड हैंड्स को बदलना होगा। सही कहा विष्णु, हमारे बॉस भी तो यही बोल रहे थे। उन्होंने बोला होगा तुम्हारे लिए, मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर के लिए। ए ओमी, ये कंप्यूटर डेड हो गया है, फौरन बदल दो इसे। जल्दी से बदल दूंगा, ठीक है बॉस। हेलो, तुम इसे बोल रही हो? हाय, प्रकाश, ओम प्रकाश,
तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियां मुझे ओमी ओमी कह के बुलाती हैं। नहीं तो क्या मामी कह के बुलाएंगे? नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू। यहाँ किस लिए? एक बार हाथ मिला लेती तो कितना बढ़िया होता। ए, 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 तू यहाँ भी आ गई? क्यों नहीं आ सकती? ये क्या, वो गाड़ी मैंने भेजी, तुम्हें रास नहीं आई, इसमें भला मैं क्या करूँ? तुझसे भला क्या बात करनी, तेरा बॉस कहाँ है? ओ, ये बात उसे बताकर मुझे जेल भी जुआएगी, ये कहाँ की शराफत है? शो, कहाँ है ये बोलो। हेलो मैडम, अभी तक आप आई नहीं बोल के MD चिल्ला रहे हैं, अंदर जाइए। उन्हें मैं पहचानूंगी कैसे? बंदरों के लास्ट मॉडल और इंसानों के पहले मॉडल से मैच खाता हुआ एक मॉडल अपने कैबिन में बैठा है, वही हमारा बॉस है। ओके थैंक यू, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। अरे जाना। ए, 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 रुको। ये यहाँ पे क्यों आई? गुरु एक मिनट में उतरा हूँ क्या? ओहो बताओ कि नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। गुरु मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, टॉयलेट की तरफ जा रहा हूँ। अगर नहीं बताओगे तो मेरी नौकरी जा सकती है। गुरु वो स्टोरी बोर्ड बनाने में एक्सपर्ट है, उसी का प्रोग्राम चीफ बना रहे हैं उसे। टेंशन रिलीज हो गया। मुझे भी रिलीज हो गया। जोरों की बदबू आ रही है जाना। वो तो आनी ही थी, बिना बोले जो निकल गई, ऐसे ही रहा तो पता नहीं क्या होगा। वेरी गुड, यू हैव गॉट ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। बात सुनो, तुम अगर कोई मुहूर्त निकालना चाहती हो तो तुम कल ज्वाइन कर सकती हो, अगर कमिटमेंट को मानती हो तो तुम आज ही ज्वाइन कर सकती हो। व्हाट डू यू से? आज से ही ज्वाइन करना चाहूंगी। दैट्स द स्पिरिट, गो अहेड। देख यार, तू चाहे कुछ भी कहे, मेरी जो गाड़ी है ना, हाँ? सुपर है। ये सिर्फ गाड़ी नहीं है, फ्लाइट है, फेदर टच है, हाथ लगाते ही स्टार्ट हो जाती है। तो अपनी फ्लाइट में जा, मैं चलता हूँ। तूने गाड़ी क्यों बंद करी? ये बताओ गुरु, तुम खटारा गाड़ी उसको देकर यहाँ बैठ के पोज मार रहे हो, ये सही है क्या? तो इसमें क्या हुआ? हाँ, वो क्या तेरी माँ लगती है या बहन? गुरु ऐसे रिश्ते से मत बांधो, अगर ऐसे चक्कर में पड़ गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अच्छा तूने अपनी गाड़ी के लिए 6,000 मांगे थे, मैं 5,000 दे रहा था, हमारी डील होने से पहले ही तुमने उसे क्यों बेच दी? इसमें क्या हुआ, फायदा मिल रहा था बेच दी। ये बता मुझसे पूछने वाला तू कौन होता है? तेरा मेरा एग्रीमेंट हुआ था। जाना बे, देख क्या रहा है, जाना। जाता हूँ। भंगार। हाँ? ये भंगार गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? सिर्फ एक ही बार स्टार्ट होने के लिए इसे 300 रुपए में ठीक करवाया था। किसने? यू चीट यू कमीने। अब चिल्ला के क्या फायदा? टोपी कितने की पड़ी? 15,000 की। मुझसे 6,000 रुपए मांग रहा था। हा? डबल से भी ज्यादा मैं टोपी पहनाई। ए गाड़ी रोक, यू ब्लडी चीट, इडियट। थैंक यू लोफा। अच्छा हाँ, ये सब कहने के लिए इतना बिल्डअप किया? और मैं क्या करूं, पैसे तो दे दिए हैं। करेक्ट, इसलिए तुम एक काम करो, बिलीव मी, ओम प्रकाश जैसा कोई बंदा तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ बोलो। किसी गैरेज तक गाड़ी को धक्का लगाना है, चल। क्या किस्मत है, हर कोई धक्के लगे ही बोलता है। ओके हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। लोफर, हेलो यू, जरा इधर आओ। अरे काहे के लिए बुलाया? एक या तो मेरी गाड़ी ठीक कराओ या फिर मुझे ड्रॉप करो। ये नहीं हो सकता, मुझे ऑफिस में जाके स्क्रिप्ट तैयार करनी है, फालतू टाइम नहीं है। पहले मुझे ड्रॉप करो, उसके बाद तुम स्क्रिप्ट बनाओ या रिजाइन करो, आई डोंट केयर। ये क्या कह रही है, अपने टैलेंट और क्वालिफिकेशन से कमाई करने वाला काम है वो, रिजाइन करने के लिए ज्वाइन नहीं किया। हेलो, मैं भी जो मेहनत करके कमाती हूँ वो ये खटारा गाड़ी खरीदने के लिए नहीं है। वो तो लोहा हर किसी को रास नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे ड्रॉप करोगे? नहीं नहीं ड्रॉप करूंगा तो क्या करोगी? तुम्हें hey, ये क्या कर रहे हो, झगड़ते क्यों? बीच रोड पे कोई झगड़ा करता है क्या? जाओ अपने घर जाओ। अरे ओ, घर ले जाने वाली क्या ये मेरी बीवी है? तो ठीक है होटल में ले जाओ। तुमने देखा देखा, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, दिल तो मेरा करता है कि मैं तुझे। ये बताओ जाना कहाँ है?
तुम एक बात जानती हो, मेरी गाड़ी पर आज पहली बार कोई लड़की बैठी है। वक्त है, अभी भी उतर जाओ। नो वे। अगर कुछ हो गया तो मुझे मत बोलना। ऐसी ख्वाहिश छोड़ दो। आहा, टच कर दिया। उसे यहाँ लाओ। ए, जल्दी लेकर आओ। अबे आना। स्क्रिप्ट कहाँ है? हेलो मैडम। ए त्रिशा, ए त्रिशा, देर हो रही है, जल्दी आ। विष्णु तुम जल्दी करो ना। अरे आ गया आ गया आ गया। स्टार्ट कैमरा। रोलिंग। एक्शन। ज़ूम। मूव विष्णु। It was so funny, you know. Okay, okay. It's getting late. Anjali, bye. अच्छा मैं चलता हूँ यार. Okay, bye. Okay, bye. मुझे जला रहे हो? मुझे बापूजी ने कहा था, डोंट बिलीव मुंबई लड़की, वो हमारी ओर देखेगी और प्यार किसी और से करेगी। बिल्कुल सही कहा। ए लंबू, तूने मेरी ही वाट लगा दी। तुम एक्टिंग भी करते हो? सेफ्टी के लिए सब करना ही पड़ता है, क्या करें। ठीक है, अगली एड में जरूर करना। अब चले। बिल तो दे दो। चलो। इतनी देर क्यों? अरे अंदर बहुत सारी लड़कियां थी, एक एक करके ऑटोग्राफ लिए जा रही थी, लिए जा रही थी, लिए जा रही थी। ऑटोग्राफ लिए, फोटोग्राफ नहीं लिए। अभी आता हूँ। शिट। ए विष्णु, विष्णु ये विष्णु, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना चिढ़ क्यों? मेरा एक रुपया अंदर फंस गया, निकालूंगा नहीं क्या? मशीन खराब हो गई होगी, एक रुपया ही तो है ना, जाने दो, छोड़ो। ओए, वो एक रुपया तुम्हारा नहीं था, मेरा था। विष्णु दिस इज टू मच। छोड़ो ना, तुम नहीं समझती हो अंजलि, वो एक रुपया चलो। ये तुमने क्या किया? क्योंकि तुमने अपना एक रुपया खोने पर इतना बड़ा तमाशा कर दिया, लेकिन जिसके लिए एक रुपया बहुत बड़ी बात है वो जाया हो जाएगा ना, इसीलिए आउट ऑफ ऑर्डर चिपका के आई हूँ। जो मैं सोच रहा था। हाँ, तुम सोच रहे थे, मैंने कर दिया, इसलिए हम दोनों का एक ही टेस्ट है और एक ही मेंटालिटी, यही तुम कहने वाले थे ना? एग्जैक्टली। हाथ जोड़ के कहती हूँ, अब से कभी कहना नहीं, करना। ए अंजलि, अंजलि, अगला जो प्रोजेक्ट है ना, उसकी तैयारी हो गई ना? ये लो। थैंक यू अंकल। बाय। बाय अंकल। बाय बाय। अब चलें। हेलो, अब चलें यहाँ से। ये लीजिए। ठीक है, मैं सारे पेपर्स रेडी करा दूंगा। बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। अब चले। अच्छा एक बात कहूँ? हाँ कहो। जो भी तुम कमाती हो किसी और को दे देती हो, क्यों देती हो पता नहीं। इतने सब पैसे रख के जाके तुमने ये खटारा गाड़ी खरीदी, हाँ? शोरूम से नई गाड़ी ले लेती। वैसे गाड़ी की जरूरत नहीं है, साइकिल हो तो उससे भी काम निकल जाएगा, लेकिन मेरा एक बहुत दिनों का सपना है। क्या है पूछोगे? नहीं कहो। मेरे बचपन में ही मैंने माता पिता को खो दिया, जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मेरे साथ नहीं थे, मैं अनाथ हो गई। मेरी ही तरह इस दुनिया में कितने ही लोग जिन्होंने माँ बाप को खो दिया है, और जो माँ बाप बच्चों को खोकर अनाथ हो गए हैं, उनके लिए एक अनाथ आश्रम और एक वृद्ध आश्रम बनाकर उनकी वहां देखभाल करके
उनके आंसू पोंछ के उनके चेहरों पर मैं खुशी देख पाऊं ऐसी मेरी इच्छा है। फॉर सम रीजन उसके लिए एक जगह मेरे पिताजी ने इनके पास गिरवी रखी हुई थी, वो पैसे भर के वो मैंने छुड़ाई है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी की वेट करते हैं और जब वो मिल जाती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। बट यू हैव अपॉर्चुनिटी एज वेल एज रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई लाइक इट अंजलि। चलो वेरी वेरी बैड। अनाथाश्रम वृद्धाश्रम बनाकर रात में यहाँ अकेली बैठकर आंसू बहाने की वजह क्या है? आज पता नहीं क्यों माँ बाप की बहुत याद आ रही है। आई एम सॉरी अंजलि। अच्छा तुम एक बात जानती हो, मैं इस संसार में सभी लोगों से प्यार करता रहूं इसीलिए उसने मुझे पैदा किया। तुम चाहो तो यहाँ बैठकर अपने माता पिता को सितारों में भी देख सकती हो। जानती हो कुछ लोग कैसे होते हैं? देखो मुझे अगर अच्छा लगेगा तो ही मैं ये करूँगी, यही मेरी पॉलिसी है, यही मेरा सिद्धांत है। जिंदगी में अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। हाँ तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, जब भी दुख होता है ना तो आंसू सबसे पहले बाईं आंख से निकलता है, और अगर खुशी हो तो दाईं आंख से निकलता है, और अगर खुशी बहुत होती है तो सुनो बताता हूँ। एक बार एक चींटी और हाथी की शादी हुई। बेचारे फर्स्ट नाइट को ही हाथी मर गया। अब बेचारी चींटी बैठकर सोच रही थी कि बहुत ही कम सिन और कम उम्र में मैं विधवा बन गई, बेचारी अब वो जिंदगी कैसे गुजारती। ये है असली जिंदगी। और जोर से हंसो, तुम चाहो तो दुख को कभी भी अपने पास नहीं आने दोगे। मुझसे शादी करोगी? हाँ? बोलो ना। सॉरी सिस्टर। ओह बहुत देर हो गई। अरे धोती पहन के शादी करनी होगी क्या? तो निकाल देना। अरे बाप रे, ये क्या रे, अभी तक तैयार नहीं हुआ? मैंने उसके लिए कितने सारे पैसे दिए। सब कुछ तो रेडी हो गया है, तोरण कहीं दिखाई नहीं दे रहे भाई। मेरी आंखों से देखना। अरे फूल भी दिखाई नहीं दे रहे। तू शादी फूलों से करेगा या अंजलि से? अंजलि से करूंगा। वहाँ देख वो आ गई। ये लो भैया। अरे बाप रे, वो ऑटो में क्यों आई है? बस में आ रही थी, मैंने ऑटो में आने के लिए बोला। टैक्सी का क्या हुआ? टैक्सी की स्ट्राइक है। आओ अंजलि, मैंने 500 रुपए दिए उसके लिए। पैसा तेरा, जेब मेरी, हिसाब दूंगा ना। नमस्ते जी। नमस्ते, जल्दी से बैठ जा। ये लो अंजलि, माला पकड़ो। वीडियो वाला कहाँ? अच्छी तरह निकालना, एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। ये क्या रे? गुरु तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वीडियो ही चाहिए ना, जो काम कैमरा करता है वही ये करेगा। मैंने उसके लिए 5,000 दिए थे। तुम्हारे पैसे मेरी जेब में है, हिसाब दे दूंगा। पुरोहित कहाँ है? गुरु मंगलसूत्र तुम्हारा पहनेगी वो। बीच में पुरोहित क्यों? मंत्र कौन बोलेगा? क्या बात कही गुरु, ब्रिलियंट। अरे पंडित जी आ जाओ, बैठ जाओ, मंत्र बोलो। हाँ अब शांति मिली। लोगों को क्यों नहीं बुलाया? बुलाते तो आते। लेकिन तुमने तो कहा था ना। मैंने क्या कहा था? जिनको बुलाएंगे वो आएंगे, और वो आ गए। अंजलि समझाओ ना। जाने दो ना विष्णु, शादी दो दिलों का मिलन होता है। और तुम उसके लिए 5,000 रुपए दिए। अरे तो क्या हो गया? ठीक है ठीक है, पंडित जी मंगलसूत्र दो, कम से कम वो तो ठीक से पहनाऊं। ये लो, शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। ए बंदर, शहनाई कहाँ है? ओ बजाता हूँ। गीता
Hey, क्यों रे? जहाँ चाहे गाड़ी दौड़ा रहा है, ये दुनिया तेरी है? नहीं, मेरे दोस्त की है, लेकिन मैजेस्टिक और एमजी रोड ये मेरा है पूरा का पूरा। एक बार समझाने से समझ में नहीं आता क्या? अगर 3 सेकंड में तुमने ये जगह खाली नहीं की तो चीर दूंगा और डॉक्टर सिलाई भी नहीं कर पाएगा। भैया मुझे क्या समझता है? अभी बताता हूँ। आज तेरा राम नाम सत्य है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। आज मेरा ये हथियार तेरे खून का तिलक लगाएगा। ये क्या है जानता है? पूरे 3 किलो का हाथ और पूरे 1 किलो की मुट्ठी। अगर एक बार किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसे 6 महीने दिखाई देना बंद हो जाता है। ओ, तू सनी देओल का भाई है क्या? मैं भी जॉनी अब्राहम हूँ, चलो रे। दम है तो छू के दिखा। ए, स्टॉप 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 स्टॉप। क्यों दादा, क्या हो गया? अरे क्या हुआ? ए, देखता नहीं उसने जॉकी अंडरवेयर और बनियान पहना हुआ है। अरे उसने कुछ भी पहना हो उससे हमें क्या भैया? रुक जा रुक जा रुक जा, मैं रोकता हूँ तो रुकता क्यों नहीं? ए, जॉकी की पावर तू जानता है, इसे पहनने से हाथ पैरों में एक्स्ट्रा ताकत आती है। सच में भैया? हाँ, मुझसे गलती हो गई, जब नहीं पहना होगा उस दिन देखूंगा। अभी जाता हूँ, चलो भागो रे। चाहे खुला रोड हो या युद्ध का मैदान, एक्स्ट्रा पावर बढ़ाता है जॉकी। शरीर की शक्ति, मन की स्फूर्ति, जॉकी बनियान एंड अंडरवेयर आप भी उपयोग करें। So ladies and gentlemen, this is my concept. Very good, Vishnu, very good. क्या हुआ? Thank you, Mr. Vishnu. Really, this is a fantastic script. Thank you. ये ad release होने के बाद सारे लड़के कहेंगे jockey, jockey, jockey. If you don't mind, sir. Yes, tell me. Jockey तो underwear है ना? मुंह से बोलने की क्या जरूरत है? मैंने तो पहनने के बारे में बताया था. Sorry. Excuse me, sir. Yes. ये भी क्या कोई कॉन्सेप्ट है? ना कोई संबंध है ना अर्थ है। शेविंग क्रीम के लिए लड़की आती है, साबुन के लिए लड़की झरने में नहाती है, इन सब का अर्थ है ना? सक्सेस मिल जाती है तो जैसा मन करेगा एड बनाओगे? यस ऑफ कोर्स। घर आओगी ना वहाँ बताऊंगी। विष्णु विष्णु, पति पत्नी के बीच में ये छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। लीव इट, बट यू हैव डन अ गुड जॉब आई से। थैंक यू सर, मैं अभी आता हूँ। हाँ, मेरे एड की कॉन्सेप्ट से तुम्हें जलन हो रही है। उसे छोड़ो, तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? गीली प्याज काटने की खुशी में। अच्छा तुम समझते क्या हो? अंडरवेयर को पहनकर अंडरवर्ल्ड पर रॉब जमाकर चैलेंजिंग स्टार समझते हो खुद को? या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या एक दिन भी इस एड के लिए तुमने मुझसे डिस्कस किया और इस डब्बे कॉन्सेप्ट को ओके करवा लिया? उसका ना सिर है ना पैर है। देखो, तारीफ नहीं तो कोई बात नहीं। तुम्हारी उस एड में ना ही कोई कैची पार्ट है ना ही डिसेंसी। क्यों नहीं है, देख लेना कुछ ही दिनों में ये एड डिफरेंट कमाल करेगा। ये एड जो है टेनिस बॉल की तरह है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ हो जाती है, लेकिन कैसे मारना चाहिए मैं जानता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा ये तुम जानती हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा आइडिया क्या है? आइडिया तो तुम्हारे पास है ना, हल्का सा रोमांस करेंगे तो। मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मैं भी तो उसी काम के लिए आया हूँ। प्लीज अंजू, अंजू 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 मेरी बात सुनो ना। अंजू 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 प्लीज अंजू। डायरेक्टर जी, अब से ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर में, क्यों ठीक है ना? ओके कैमरामैन। अच्छा तुम मुझे चाहती हो ना? क्यों चाहती हो? क्यों याने? वो इसलिए क्योंकि मैं जॉकी अंडरवेयर और बनियान का उपयोग करता हूँ। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे अर्जेंट बुलाया। वेल डन विष्णु, सुपर टाइटल सर। अगली मैंने ये बात तुम्हारे लिए कही है। थैंक यू सर। अपनी काबिलियत से बहुत अच्छा काम किया है। इस खोपड़ी की तरह। हाँ? सॉरी सर। जॉकी की एड ने तुझे स्टार बना दिया है।
इसलिए इस कंपनी ने तुझे क्रिएटिव हेड बनाकर प्रमोट कर दिया है। सर वन मोर थिंग, तुम अपनी फैमिली के साथ 24 घंटे के लिए जश्न मना सकते हो। क्या बात है यार, बहुत खुश दिख रहा है। फर्स्ट वाइफ देन समबडी एल्स। अंजलि कहाँ है? मुझे क्या पता। रेखा, अंजलि कहाँ है? क्या बात है, बहुत खुश दिख रहे हो, मुझे नहीं बताओगे क्या? समझ गई, पत्नी को बताओगे। गीता, अंजलि कहाँ है मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे काम करने दो। ऋषि, नहीं जानते हम, नहीं जानते। हाय विष्णु, एक गुड न्यूज है। क्यों, क्या हो गया? दोपहर से तुम कहाँ चली गई? क्रिएटिव हेड बना के मुझे प्रमोट किया गया है, ये बात सबसे पहले तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। बस इतना ही ना? क्या इतना ही, ये खबर सुनाने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ पता है? ओके बाबा, आई एम सॉरी। अच्छा अब मैं एक गुड न्यूज सुनाऊं? जो कुछ भी तुम बोलना चाहती हो वहाँ पे स्वीट रखी है, वो खा के बोलना। डॉक्टर के पास गई थी, आई एम प्रेग्नेंट। सॉरी सॉरी अंजलि, मैं ऑफिस के प्रमोशन के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को प्रमोट कर दिया। थैंक्स अ लॉट अंजलि। तुम एक बात जानती हो, शादी से पहले कुमारी थी, शादी के बाद युवती, अब बच्चे के बाद हो जाओगे आंटी। तुम अंकल नहीं बनोगे? नो नॉट एट ऑल, मैं हमेशा रहूंगा यंग एंड एनर्जेटिक। वो तो ठीक है, बच्चे के बाद तुम दोनों एक हो जाओगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, उसके बाद मेरी केयर कौन करेगा? बड़े आए, एक बात जान लो, आज के बाद प्यार कम हो जाएगा, ऐसा मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझ गए ना? ओके ओके, काम काम, ओके ओके, कूल कूल, गुस्सा मत हो, आ जाओ, कोई बात नहीं, ओके ओके। Congratulations. Please sit down. Please. इंटरव्यू लेने के लिए ऐसे आते हैं? ये लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, छोड़ना। हाँ, दोनों एक हो गए तो समझ लो हो गया। So once again, बैंगलोर में ब्रिलियंट होने का प्रूव कर दिया। ग्रेट। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल डार्क लाइट में एड बनाने का जमाना है ये, लेकिन नया कॉन्सेप्ट बनाकर उसके ऊपर एड बनाकर पूरे नेटवर्क को मार्केट वैल्यू दिला दी है, ये बैंगलोर में हुआ ना? ये सिर्फ बैंगलोर के लिए नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वाओ, यू आर ऑलवेज राइट विष्णु। विष्णु देखना, वो उसका नाम ले रही है। क्लोज हो गई इसलिए बोल रही है, छोड़ना। चाहो तो तुम मुझे वो भी बुला सकती हो। यू शट अप। एंड वन मोर थिंग, कोई भी एड बनाने के लिए लड़कियों को यूज करते हैं, आई मीन बिकनीज पहनाकर एक्सपोज भी करते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों? इसलिए कि तुम जैसी कोई मिली नहीं होगी। बट तुमने रॉडीज को यूज किया, वेरी इनोवेटिव। ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? देखिए, कपड़े होते हैं मर्यादा के लिए, और ऊपर से बिकनी अंडरवेयर के लिए, वो भी खास करके लड़की को प्रोडक्ट बना के यूज करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वाओ ग्रेट विष्णु, आई जस्ट लव द वे यू टॉक। ओके लिसन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हाँ, आपके पीछे कौन है? और कौन, मैं? ये सब झूठ है। देख लिया कैसी फिटिंग की। किसी भी इंसान की सफलता के पीछे उसकी काबिलियत होती है। अब देखिए ना, विवेकानंदा, वाजपेयी, अब्दुल कलाम, इनके पीछे कौन है? वाओ सुपर्ब,
तुमने मेरा नाम नहीं लिया ना? घर आओ, आज सबक सिखाऊंगी। इफ यू डोंट माइंड, तुम्हारी असिस्टेंट बनने की मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है। तो बनाओगे ना? इस तरह बोल बोल के एक दिन ये बेडरूम तक पहुंच जाएगी। विष्णु देवता की भी दो बीवियां थी, अब तुम पहली हो दूसरी वो है। एक्सक्यूज मी प्रीति, मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है। मेरी तो नहीं हुई ना? हुई नहीं है, जाके किसी आश्रम में शामिल हो जा। तुम ये सब क्या बोल रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक सच्चाई बोलूं, आपके जैसे करेक्टर को सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई प्यार करना चाहेगा। मेरी पत्नी के विचार भी कुछ ऐसे ही हैं। इज इट, अब मैं भी असिस्टेंट बन जाऊंगी। हाँ? क्योंकि आज के जैसा दिन मेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। एनीवे, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। आज मैं नहीं छोड़ूंगी, आज मैं नहीं छोड़ूंगी। आई लव यू, आई जस्ट लव यू। आज नहीं आएगी। बाय। तुझे तो ये बॉल किसने मारी है? विष्णु, मेरे बेटे ने। बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर बनेगा ना। वो क्या बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एक ही तो संडे मिलता है, वो भी खराब कर रहे हो। संडे घर में रहने के लिए नहीं होता है, हफ्ते भर का टेंशन दूर करने के लिए होता है, ये तुम क्या जानो। विष्णु रुको, तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ, तुम थोड़ा और आराम कर लो। सो स्वीट, आई लव यू। सर यहाँ से लेफ्ट। आइए, मेरे साथ पहली बार मकान देखने के लिए आए हैं, अब मैं क्या बताऊँ। वैसे आज मेरी बीवी को बाहर ले जाना था, लेकिन सारे प्रोग्राम कैंसिल करके मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ। अब यहाँ से जाऊँगा तो बीवी को मना के खाना खा के पान खा के आराम से सो जाऊँगा। आइए अंदर आ जाइए, ये जो घर है। आइए आइए आइए, देखिए यही है तुम्हारा पैलेस। हाँ देखिए देखिए, वहाँ देखिए, वहाँ जो है वो घर का पिछवाड़ा है। इधर आइए ना। हाँ यहाँ देखिए, ये है हॉल 2020। कैसा लगा? ये एकदम खाली खाली सा है। आराम से, ये राजस्थान का पत्थर है, स्लीप हो जाता है। और वो जो है वो लकड़ी सारी, ये तो आसाम से मंगाई होगी ना। ये भी बस। इसका नाम है किचन। और ये इसके है, बारे में हम लोग जानते हैं, आगे बताओ। नीचे गैस की जगह है, ऊपर स्टोव की जगह है, और अगर किचन में धुआं ज्यादा हो जाए तो देखिए वहाँ फैन है, उस फैन से सारा धुआं बाहर निकल जाएगा। वो सब हम देख लेंगे। Well said, director. Thank you, cameraman. बाप रे। ओए ओए ओए। अंजू, तुम्हारे लिए ठीक है ना? मेरे लिए ठीक है। तो एडवांस देके फिक्स करता हूँ। ये रहा एडवांस। और मेरे लिए टोकन? घर में आने के बाद। घर में आने के बाद? और नहीं तो क्या, तुम पहले क्या काम करते थे? गुड्डे गुड़िया बेचता था। ए, तुम मैजेस्टिक में रहता है क्या? अरे वाह, तो तुम हमारे एरिया जानते हो। अब तो मैं तेरे खानदान को भी जान गया हूँ। अरे वाह, ए विष्णु, क्या हुआ रेड्डी जी? हम सबको छोड़कर जाने का मन कैसे किया? क्यों नहीं रेड्डी जी, इतने दिनों तक मैं बैचलर था, अब फैमिली वाला हूँ। कल बच्चों को खेलने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए होगा ना? यानी हम सब लोग अच्छे नहीं हैं? मैं जानता था कि जब भी मैं ये घर खाली करूंगा तब तुम लोग सब बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। विष्णु, ऐसा क्यों हो रहे हो? जब मैं अकेला था तब मैं प्यार की तलाश में घूमता रहता था, इस चक्कर में आप सबके दिल को मैंने बहुत दुख पहुँचाया, हो सके तो मुझे माफ करना। हम चलते हैं। अच्छा चलते हैं। सारा सामान याद से रख लिया? हाँ, एक मिनट। विष्णु विष्णु, अरे विष्णु, क्या हुआ?
विष्णु, ये सब क्या है? एक तुलसी के पौधे के लिए इतना सारा टेंशन, वहां पहुंचकर दूसरा ले लेते। इसमें मेरी माँ की चिता की राख है, इससे मुझे हमेशा ये लगता है कि माँ मेरे साथ में है, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि माँ हमेशा मेरे साथ में रहे, इसीलिए लेकर आया हूँ। I'm sorry, विष्णु। कोई बात नहीं, चलो। हेलो हेलो, कौन है? मैं हूँ, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। वहाँ से कौन बोल रहा है, क्या बात है? अब से तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, चलो। बाय बाय विष्णु। बाय जल्दी, बाय। सारा सामान इधर उधर रखा हुआ है। हेलो। हाँ बोलो विष्णु, क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहा हूँ। जब तक तुम घर आओगी, सारा सामान क्लीन से सेट करके जब तुम्हें अपने सामने देखूंगा, तो उसके बाद जो होगा रोमांस। जब देखो तुम उस बेडरूम के बारे में ही सोचना। ठीक है डायरेक्टर, तुम मुझे फोन पे बताती रहो। सबसे पहले सीधे बेडरूम की बात। हाँ सेम विचार। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, पहले अपने मुँह पर एक कर्चिफ बांध लो। हाँ हाँ। वो रूम के अंदर रखना। अब तुम क्या कर, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए हमारा फोटो लगा रहा हूँ। तुम सुधरोगे नहीं, हमेशा अपने मन की ही करते रहोगे। ए मैजेस्टिक वाले, इतनी जल्दी क्या? सर मेरी बीवी का हैप्पी बर्थडे, कमीशन दो। ये तू क्या कह रहा है, जब रहने आएंगे तभी तो कमीशन। रहने तो आ गए ना। कौन आया है? तुम ये मजाक कर रहे हो ना? देखो मेरी बीवी का हैप्पी बर्थडे सर, उसे पिक्चर दिखानी है। अरे जा बाद में आना। तुम्हारे चक्कर में मुझे डांट खानी पड़ेगी, बाद में आने को बोल रहा है। मुझे बाद में आने के लिए बोल रहे हो? यहाँ पे अंजलि कौन है? एक मिनट, अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके लव यू। अंजू अंजू अंजू। Ah!
ये तो किसी एड एजेंसी में काम करता है। इस तरह का काम ये अपने असली जिंदगी छुपाने के लिए किया करते हैं। मगर ये तो शादीशुदा है। मतलब बादशाह ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो रॉन्ग है। तू कौन है? क्यों तुम कौन हो? हेलो, तू बता कौन है? ब्रोकर हूँ। ये फैमिली वाला घर है या ये सब नहीं? सर 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 सर, मैं हाउस ब्रोकर हूँ। विष्णु को ये घर दिलाया मैंने, उसने आज बुलाया था, मुझे कमीशन देगा इसलिए आया हूँ। विष्णु जी, सर विष्णु जी। चुप कर। कितना कितना पैसा निकलता है? पूरे 10,100 रुपए। खुश होकर 1,000 और देने के लिए। अच्छा वो रहने दो। सर विष्णु के आप क्या लगते हैं? बहनोई। सगे बहनोई क्या? बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ सर? सारा सामान बिखरा पड़ा है, चोरी का केस है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई, बेचारा कोई और मारा गया। हमेशा कहता हूँ ना, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। अब देख लिया ना, मासूम मारा गया, अब भुगतना। हे, ये मजाक करने का समय है? रिपोर्ट में क्या लिखे यही सोच रहे हैं? हे जूनियर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका अब क्या करें बोल। मिस्टेक तो हो गई है, इसे टेररिस्ट एजेंट मानकर ही शूट किया ना। हाँ क्यों? तो वही प्रूव कर दो ना। होल्ड इट, थोड़ा रिवाइंड करो और थोड़ा करो। ये जब विष्णु के यहाँ शूट आउट हुआ तो उसकी पत्नी अंजलि वो दिखाई नहीं दी। वो तो हॉस्पिटल गई हुई थी ना सर। ओके प्लीज कैरी ऑन। सर आतंकवादी कौन से संगठन से जुड़ा है? सर बोलिए ना सर। सर बिना कुछ बताए चले जा रहे हैं, कुछ तो बताइए ना सर। ये मरा नहीं जिंदा है। यहाँ प्रेस वाले खड़े हैं, शिफ्ट होने दो। हाँ क्या हुआ डॉक्टर? नो, ही इज आउट ऑफ डेंजर। क्या आउट ऑफ डेंजर? हाँ, रिब्स के ऊपर बुलेट लगी थी, वो निकाल दिया पर ब्लीडिंग नहीं रुका है। हमारी गोली से आज तक कोई बचा नहीं। गोली हार्ट में ही मारी थी ना? हाँ वही। हेलो एक्सक्यूज मी, मरीज के गोली हार्ट के साइड में लगी है, छू के निकल गई। ये क्या कह रहे हो? ये तो नामुमकिन है। मुमकिन है, मैं एक डॉक्टर हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। 24 hours ऑब्जर्वेशन में रखा है, उसकी बचने की उम्मीद कम है ना डॉक्टर। ऑफिसर आपके सवाल से तो लगता है कि वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, है ना? अरे डॉक्टर, कोई देशद्रोही मरे या जिंदा रहे क्या फर्क पड़ता है? ये डिसाइड करने के लिए अदालत है। चाहे तो अस्पताल भी कर सकता है। माइंड योर टंग ऑफिसर, अगर तुम्हें उसके पास से कोई स्टेटमेंट लेना है तो वार्ड में शिफ्ट होने के बाद लेना। नाउ एक्सक्यूज मी। ये क्या बोल रहा है? गोली साइड में लगी,
ग्रेट विष्णु, विष्णु जाओ, अंदर जाना मना है। प्लीज उन्हें देखना है, मुझे मिलने दो। अंदर जाने के लिए मना किया गया है। तुम उसकी क्या लगती हो? ये उनकी मिसेज हैं। विष्णु अब कैसा है? गोली निकाल दी है, अभी भी ऑपरेशन थिएटर में। गोली मारी? क्यों मारी? किसी आतंकवादी पे गोली नहीं चलाएंगे तो क्या पूजा करेंगे? नो, उनके बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि मैंने उनसे लव करके शादी की है। लव करते समय ये सब मालूम नहीं था ना? सर, अंजलि जो बोल रही है सच है सर। करीब 5 साल से मैं विष्णु को जानता हूँ सर। तू कौन है? मैं उसी के ऑफिस में काम करता हूँ। ऑफिस की बात ऑफिस में करना। उसके पास से क्या क्या मिला पता है? उसके पास से गन्स मिली है, ड्रग्स मिली है, नक्शा भी मिला है, ये सब तू जानता है? इम्पॉसिबल, मेरा विष्णु ये सब काम करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। शादी हुए कितने साल हुए? क्यों शादी हुए कितने साल हुए ये बता। 1 साल। LTTE के कमांडर प्रभाकर की भी शादी हुई थी। मेरे विष्णु को अगर कुछ हो गया ना, इसीलिए अस्पताल में भर्ती कराया। बच गया तो फांसी भी होगी। माइंड योर लैंग्वेज। विष्णु को हम अच्छी तरह जानते हैं, उसे कैसे छुड़ाना है हम ये भी जानते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ सर, क्या लिखा जरा बताओ? ये वो क्या बोल रहा है? तूने लिखा क्या है सर? वो जजमेंट कब है जानता है? नहीं सर, आज है। अब जाना, जल्दी जा, देखा कैसे मेरी जान खाता है। हाँ, क्या बात है सर? मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा जानता हूँ। देखा, ये अपने बेटे को नहीं जानते। केस में कैसे लड़ूं? और डाउट करते हैं। यस, वो मैं देख लूंगा, तुम जाओ। सर लेकिन वो, अरे बाबा मैंने कहा ना मैं देख लूंगा, तुम जाओ। अरे रवि, अरे आजा आजा आजा, बैठो बैठो। सर इनका नाम अंजलि है। मेरा कलीग यानी इनका पति विष्णु जो बेगुनाह है उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, गुनेगार को छोड़ देते हैं, बेगुनाहों को पकड़ लेते हैं। देखो बहन, ईश्वर के नाम से सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। अब बोलो। क्या है? विष्णु। विष्णु है या और भी कोई नाम है? तुम्हारे घर से जो नक्शा मिला वो कहाँ गया? और अगला टारगेट क्या है? तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या है? बता। ऑफिसर्स डोंट शाउट, जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। तुम जहाँ पहले रहते थे वहाँ से अचानक घर खाली क्यों किया? अब जहाँ तुम रहने आए वहाँ पहले सलीम खान रहता था, वो आतंकवादियों के लिए एजेंट का काम करता था। अब वो काम तुमने करना शुरू कर दिया है? ये बात मैं नहीं जानता। दरअसल मुझे वो घर दिलाया एक ब्रोकर ने। ये बात हम भी जानते हैं। इन्होंने मुझ पे गोली चलाई, इन्होंने मुझे शूट किया, इन्हें अरेस्ट कीजिए ना। ओह, तो ये भी तुम्हारे हिट लिस्ट में है। ओ हेलो हेलो ऑफिसर्स, तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं हूँ ना। 1 2 3 ओ विष्णु विष्णु विष्णु, ये सब क्या हो गया विष्णु? क्यों सर, ये सब क्या है? तुम लोगों ने ही शूट किया और तुम लोगों ने ही अस्पताल में भर्ती कराया, और अब इंक्वायरी भी तुम ही कर रहे हो। मैं लीगल वाला हूँ, समझ गए? मुझे भी इससे थोड़ा बहुत काम है। देखो तुम बिल्कुल मत डरो। ये रविंदर है ना? ए रविंदर, क्यों क्या हुआ? अरे भूल गया, 2 years back फेक एनकाउंटर किया था ना, अभी भी याद नहीं आया? अरे वही किया था ना कॉलेज के सामने। हाँ लगता है याद आ गया, अच्छे हो ना? इसे जेल से मैंने छुड़ाया था 2 years back। अच्छा ये बताओ तुम लोगों में कॉमन सेंस है या नहीं? मेरे क्लाइंट का हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है और तुम लोग उसे परेशान कर रहे हो। प्लीज यहां से जाइए, प्लीज गो। अरे जाने के लिए कहा तो जाओ ना। तुम इसकी कलीग हो, तुम जाके बात करो। विष्णु ये सब कैसे हो गया? विष्णु कैसे हुआ? जब मैंने तुम्हें फोन किया था तभी इन्होंने आके मुझे शूट किया, मगर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। और अब देखता हूँ कि ये मुझे टेररिस्ट बोलकर जाने क्या क्या बोल रहे हैं। अंजू सच में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कौन है वहाँ? जल्दी से यहाँ हथकड़ी खोल। सर कानून के मुताबिक नहीं खोल सकता। मैं लॉयर हूँ, सब जानता हूँ, पहले खोल।
ये वकील मुझे कानून सिखा रहा है मेरा। जल्दी कर। ए, अभी भी अंग्रेजों के जमाने की हथकड़ी यूज कर रहे हो? ये लॉयर है, नाम है रघुराम, ये हमारी मदद करेंगे, डोंट वरी। मैं जानता था कि तुम लोग जरूर आओगे। वन सेकेंड। अंजलि, ये लोग पुलिस केस डील कर रहे हैं, ये लोग कुछ पूछे उससे पहले ही तुम क्लियर कर दो, सच्चाई बता दो। नो, इस केस में एक इंच भी गुंजाइश नहीं है। नो, विष्णु के खिलाफ सारे सबूत पुलिस वालों ने बहुत स्ट्रांग बनाए हैं और ऊपर से नॉन अवेलेबल केस। ए, ना कबूलने पर क्या होगा? रिमांड पर रखेंगे। देख लिया विष्णु, तुम जेल में रहोगे, तारीख पे तारीख पड़ेगी, केस लंबा चलेगा। अगर तुम चाहते हो केस जल्दी खत्म हो जाए तो मैं जो भी कहता हूं वो ध्यान से सुनना, तुम अपना जुर्म कबूल लो। ये कैसे आप इस तरह कह रहे हैं? जो गुनाह मैंने किया नहीं वो कैसे कबूल करूंगा? अरे टेंशन मत लो ना, तुमने कुछ नहीं किया, तुम जानते हो, ये जानती है, मैं जानता हूँ, कोर्ट नहीं जानता है ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम बहुत ही विनम्रता से कोर्ट में, माय लॉर्ड, मेरी पत्नी को कहीं कुछ हो न जाए इसी डर से मैंने उन तीनों लोगों के ऊपर हाथ उठाया था, उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना ही। और इसके बाद तुम जो बोल रहे हो वो नहीं हो सकता, हमारे लिए विष्णु जरूरी है, इसकी जिंदगी जरूरी है। ये आप क्या बोल रहे हैं? विष्णु इनोसेंट है ये साबित कराने के लिए आपके पास आए और आप है कि इसे कंफ्यूज कर रहे हैं। हरी हरी, पति पत्नी को तो ये बात समझा सकते हैं लेकिन इतने सारे लोगों को समझाना मुश्किल है। पुराण में क्या लिखा है जानते हो? महाविष्णु देवेंद्र से कहते हैं कि तुम 6 जन्म तक मित्र रहना या 3 जन्म तक शत्रु रहना। उसके लिए देवेंद्र ने 3 जन्म को स्वीकार लिया, क्यों? क्योंकि एक अवकाश के बाद विष्णु उन्हें मिलाना चाहते थे और इसीलिए अगर तुम दोनों को भी निरंतर साथ में रहना है तो जुर्म कबूल करना होगा। कबूल करने से 3 महीने या 6 महीने की सजा होगी। ऐसे कबूलने से कल ये समाज क्या कहेगा? समाज की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे बस चिंता है तुम्हारी। हमारी शादी से पहले तुमने एक बात कही थी, वो भूल गए क्या? जब मैं रो रही थी तो बोला था कि इंसान को अपनी जिंदगी में सब कुछ पाना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी, देख लेना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, वो इसलिए कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, प्लीज मान लो। मेरे क्लाइंट से अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है और वो स्वीकारता है, उसकी स्वीकृति इसमें लिखी है। अनजाने में गलती हो गई, सुधरने का उसे मौका देकर, माय लॉर्ड, इसके ऊपर दया खाकर, मेरे क्लाइंट की पिछली जिंदगी को देखकर उसे कम से कम सजा देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। विष्णु, तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? कबूल करता हूँ सर। इस मुकदमे में जो सारे सबूत पाए गए हैं उनके मुताबिक गौरवशाली नौकरी करने वाला अपराधी बन गया है, इसलिए विष्णु को IPC सेक्शन 120B के तहत ये अदालत उसे 5 साल की सजा सुनाती है। नो माय लॉर्ड, विष्णु, मैंने गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। सर आप कुछ कहिए ना, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बोलिए ना। सर मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, इन्होंने ऐसा बोलने को कहा। सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर विष्णु, तुमने कहा था ना जुर्म कबूल लो, सजा कब हो जाएगी? अब ये क्या है? सर सर कुछ बोलते क्यों नहीं? सर ये सरासर अन्याय है। विष्णु, I'm sorry विष्णु, मेरी वजह से ये सब हुआ, I'm sorry विष्णु। विष्णु, I'm sorry। विष्णु, विष्णु। सर वहाँ उस लड़की का ये मुकदमा है। अरे वहाँ का जो मुकदमा है वहीं पर देखेंगे, ठीक है? ठीक है सर। सर, सर, सर। ओ क्या हुआ,
अरे जजमेंट तो हो गया ना, मैं चलता हूँ। जुर्म कबूलने पर सजा कब होगी? ओहो, मैंने सही तो कहा था, नहीं तो 14 साल होती। नहीं मानता तो फांसी की सजा सुनाई जाती, वो मारा जाता। लेकिन सर, हाँ। ओहो, अरे ऐसे केस तो यहाँ रोजाना आया करते हैं। मेरा पति। तुम्हारा पति? तुम आराम से अपने घर जाओ, वो बाद में आराम से वहाँ आ जाएगा। ओके, अब देखो मैं बहुत जल्दी में हूँ, दूसरी कोर्ट में मेरा एक डाइवोर्स केस है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओहो, आज गर्मी कितनी ज्यादा है। सर यही हुआ था। क्यों, बस इतना ही है क्या या और भी बहुत कुछ है? सर हम मजाक में नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हमारा विष्णु सर से लेकर पैर तक एकदम शरीफ है। आहा, तुम बैठ जाओ। बैठने के लिए कहा ना, बैठ जाओ। वो वहां पर क्या कर रहे हैं? सुनो, हेलो। हेलो, कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ, हेलो। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए सर, क्या बात है? अरे भैया रुको। अरे भैया सुनो। एनीवे, आप सबने वक्त निकाला उसके लिए, थैंक्स लॉट। विष्णु के साथ जो जेल में था ना, हाँ। पता लगाओ वो कहाँ है, आई वांट हिम नाउ, समझ गए? ये लीजिए। एक मिनट जरा हटेंगे, एक मिनट। हाँ इनके पास भी। चलिए मंगलसूत्र पहनाइए। बहुत ही अच्छी है। क्या? हाँ जोड़ी। पता नहीं कौन है। आप लड़की की तरफ से आए या लड़के की तरफ से? दोनों की ओर से नहीं, सेंटर से। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI। देख लिया ना, ना बताओ तो पूछते हैं, अगर बता दें तो शक करते हैं। सब शांति से निपट गया ना? हाँ। खाने की व्यवस्था? हाँ है सर, उसकी व्यवस्था। अरे वाह वाह, सारी व्यवस्था है। क्यों ना खाना खाते हुए बात करें? हाँ ठीक है। तो फिर आइए आइए आइए। क्या हुआ, शुरू कीजिए ना। उससे पहले आप शुरू हो जाइए। तुम लोग खाना खाना शुरू करो और ये विष्णु पुराण शुरू करेंगे। बोलिए रमन जी। ओए, ये कौन है बे जो बीच रास्ते में बैठा हुआ है? विष्णु तुम इधर आ जाओ, आ जाओ। ओए बुढ़ाऊ, हमको लगता है तुम्हारे पार्टनर के शरीर में बहुत ही चर्बी चढ़ी हुई है। नाम का है, महात्मा गांधी तो नहीं? सही कहा विष्णुवर्धन। ओए, तुझे तो जेल का खाना रास नहीं आता है ना? हे उठ। अरे अरे भैया, मेरी प्लेट में वैसे ही ज्यादा है। ओए, तो इसमें क्या हुआ, ये भी खाना? रमन जी ये लीजिए, मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। अब सही जगह पहुंच गया, जाके खा ले। मुझे उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा, जेल के अंदर किसी को परेशान नहीं करता था, बहुत शांत रहता था। बहुत ही अच्छा है। क्या उसका कैरेक्टर? अरे खाना। हाँ। आप बोलिए ना। कैसी हो अंजलि? तुम्हारे जेल में रहते मैं कैसे अच्छी रह सकती हूँ, तुम कैसे हो? जब तक हम दोनों अकेले थे किसी को कोई परेशानी नहीं थी। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा विष्णु? इस संसार में दो ही लोग खुश रह पाते हैं, एक वो जो प्यार में सब कुछ पाता है और दूसरा जो प्यार के नाम से अनजान है, और शायद प्यार को हम ठीक से समझे नहीं, इसीलिए उस प्यार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं क्या करती, वो लॉयर धोखा देगा,
मुझे इस बात का पता नहीं था विष्णु। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। कल अगर हम बूढ़े हो जाते और मुझे जेल होती तो उसे भी स्वीकारना ही पड़ता। मैं हाई कोर्ट में अपील करके ही रहूंगी और तुम्हें जेल से छुड़वा के ही रहूंगी। खैर वो सब छोड़ो, डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कर रहा है हमारा बेटा? वो क्या करेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ है। मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना के लाई हूँ, ये लो। मेरी पसंद का बना के लेकर आकर तुम तो अच्छी पत्नी बन गई, लेकिन मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। मेरे बेटे के अच्छे पिता तो बनोगे ना, वो ही काफी है। मैं चलती हूँ। विष्णु, अब मेरे बस 3 दिन बचे हैं। जब मैं रिहा हो जाऊंगा तो अपनी बेटी की शादी करके। क्या बात है बुढ़ाऊ, दाल घोट रहा है का? हाँ, तुअर की दाल बना रहा हूँ, चख के देखोगे? खुशबू बढ़िया है। अपनी बेटी से मुझे मिलवाता ना। विष्णु, हम अपने गुस्से की वजह से ही आज यहाँ जेल में बंद है। ये हमारा घर नहीं है, यहाँ से रिहा होके निकल जाएंगे। उसके लिए क्या करना है वो देखो। अच्छा, जब खाना बन जाएगा तुम्हारे सेल में पहुँचा दूंगा। ठीक है काका। देख रहे? हाँ भैया। अगर तू हमारी बात मान ली तो ई जेल में तो काका चाहिए वो सब हम तुहरा बंदोबस्त करके दूंगा। लेकिन भैया हमारी बात मान ले भैया वो। अरे देखना कितनी देर से समझा रहा हूँ, का है? कुछ नहीं बोलूंगा, हमका छोड़ दे विष्णु, हमका छोड़ दो। अरे लगता है जेलर आ गया। क्या हुआ तुझे, ऐसा नीचे क्यों गिरा है? अरे उठ ना, उठ जा। ये तेरी हालत किसने की? अरे हुआ क्या है? सर मैं दर्द होत रहा, हम नीचे गिर गए। तू झूठ बोल रहा है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। सच बोल रहा हूँ साहब, नीचे गिर गया। हाँ उसे इवनिंग एडिशन के लिए तैयार कर दो। ओके, तुम अंजलि हो ना? विष्णु? हाँ, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था। ओ हाँ, मैं हूँ प्रीति। क्या बात है प्रीति, यहाँ कैसे आना हुआ? सर ये मेरी फ्रेंड है अंजलि, August 1st विष्णु शूटआउट हुआ था ना, उनकी वाइफ है। उस केस के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हैं। वो केस तो बंद हो चुका। बंद नहीं हुआ सर, बंद कराया गया। हाँ सर, विष्णु सच में इनोसेंट है, एक बार इनका स्टेटमेंट तो सुन ले। बादशाह, अगस्त में विष्णु नाम के लड़के का एनकाउंटर हुआ था, क्या वो टेररिस्ट एजेंट था? जी नहीं। तो तुमने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों दी? ये क्या, जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी सलीम वहीं पर था, वो लोग 2 दिन बाद गए, इसमें मैं क्या करूं? इसका मतलब विष्णु टेररिस्ट एजेंट नहीं है, ये बात तुम्हें बोलनी चाहिए थी ना। किसके पास जाके बोलूं,
सब कुछ जानते हुए भी जब तुम लोग कुछ नहीं कर पाए तो मेरे बोलने से क्या हो जाता? ये कोर्ट में बोलना, तुम्हारे साथ मैं भी रहूंगा। मिनिस्ट्री से ये लेटर आया है। हाँ ले जा, अंदर ले जा। आपके लिए। क्या? हाँ आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। प्रीति ने कमिश्नर से बात करके पेरोल पर विष्णु को छुड़ाने के लिए सारे इंतजाम किए। विष्णु, विष्णु, थैंक यू सर। तुम जाके अपना काम संभालो। यस सर। थैंक यू प्रीति, थैंक्स अ लॉट। कोई ऑटो नहीं दिख रही है। अरे ये क्या? प्रीति, क्या बात है? वो अभी तक नहीं आए। On the way, sir. Just 10 minutes. She's just coming. हाँ, let them come. तुम क्या मांग रही हो? दुखों का समाधान। अब कोई दुख न आए यही मांग रही हूँ। अंजलि, जब हम घर के सामने दीप जलाते हैं तो बुरी नजर को बचाते हैं ताकि हमारी जिंदगी को किसी के नजर ना लग पाए। इंसान को अगर कोई दुख देता है तो उस दुख से लड़ने के लिए शक्ति भी देनी चाहिए। सब अच्छा ही होगा। चलो। इतना बड़ा वकील कोर्ट में आया है, कोई नमस्कार करने के लिए भी तैयार नहीं है। सुनो भैया। ए, आगे जाना। आहा, यही कहोगे? मैं जानता था। हाँ, ये मैं जानता था। तुम्हारी बात मानकर मैंने जो किया उससे कोर्ट में कोई मुझे सलाम भी नहीं करता। अरे आरे गोखले, वो सिक्योरिटी वाला ई करके हंसा करता था, उसने भी बंद कर दिया। दो पैक चला ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल अब जा। जा। अबे जा बे। जा बे। अच्छा जाना। मेरे बाप ने कहा था सब पर भरोसा करना, पुलिस वालों पर नहीं, लेकिन मैंने नहीं मानी। जाता हूँ। विष्णु, आज देखना कोर्ट में तुम्हारा केस खारिज हो जाएगा और तुम बरी हो जाओगे। क्या हुआ विष्णु? पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। तुम एक काम करो, जाके ऑटो लेके आ जाओ। ठीक है। विष्णु आ जाओ, ऑटो आ गई। अंजलि, 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 कुछ नहीं होगा। अंजलि, अंजलि, विष्णु, अंजलि, 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 अंजलि।
जी के मरने के बाद विष्णु कुछ दिनों के लिए जेल में बंद रहा, लेकिन उसके बाद मैं जेल से रिहा हो गया। और अब विष्णु कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। सब मुझे नहीं लगता जेल की सजा काटने के बाद वो किसी का खून करने की कोशिश करेगा। प्रहलाद को बचाया था विष्णु ने, एट द सेम टाइम हिरण्यकश्यप का भी वध किया विष्णु ने। एनीवे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। जी अच्छा। उसका पता लगा के रहूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू। यस, एनी क्लू? सर सब जगह पूछताछ की लेकिन विष्णु का कहीं पता नहीं चला। इज इट? लेकिन सिटी से 4 किलोमीटर दूर पे एक आदमी अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम चला रहा है। वो देखने में बिल्कुल विष्णु लगता है, लेकिन वो विष्णु नहीं है, ये कंफर्म है और ये पक्की इन्फॉर्मेशन है। देखो बेटे, बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है क्या? नहीं ना, माँ बाप उन्हें सहारा देते हैं, उसके बाद ही वो चलते हैं। मगर हमें तो चलाने वाला कोई भी नहीं है। माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, यहाँ हम सब लोग हैं ना। ठीक उसी तरह से पौधों में लकड़ी लगाकर पौधे को सहारा देते हैं। जब ये बड़ा पेड़ बनेगा तो गर्मी में अनेकों को छाया देगा, और ठीक उसी तरह से तुम भी जब बड़े हो जाओगे तो दूसरों का सहारा बनोगे, समाज में अच्छा नाम कमाओगे। समझ गए ना? हम्म अंकल। वेरी गुड। हाय, एक्सक्यूज मी। यस यस, वी आर फ्रॉम सीबीआई। इफ यू डोंट माइंड, आपको हमारे ऑफिस तक चलना होगा। चलने की वजह जान सकता हूँ? कोई खास नहीं, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन करना है बस उसी के लिए। श्योर। He's on a mission you can never ever stop him. He's playing with the mind you can never ever guess him. Here comes the prince, the prince. He's on a speed of things. He's on a mission you can never ever stop. He's playing with the mind you can never ever guess him. Tumhara naam? Rajkumar. What? राजकुमार कहा। पिता का नाम? शोभती श्रीनिवास। ये क्या रे, ये तो सब कुछ उल्टा ही बता रहा है। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तुम ही राजकुमार हो, हम कैसे मान लें? एक काम कीजिए, मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ, राजकुमार कह के बुलाइए, अगर मैंने मुड़ के देखा तो कंफर्म कर लीजिए। क्यों मजाक सोच रहा है? आप यही कहेंगे मैं अच्छी तरह जानता था। ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये है मेरा पैन कार्ड, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और ये है मेरा वोटर आईडी। मेरे पिताजी मुझे लंदन यूनिवर्सिटी में ही रहने के लिए कह रहे थे, काफी कोशिश की
लेकिन क्या करूं, अपने ही देश में रहकर मेरी कुछ करने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैं वापस आ गया और अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम बनवाया। तुम विष्णुवर्धन को जानते हो? अरे उन्हें कौन नहीं जानता है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनकी पिक्चरें फॉरेन में भी देखता था। वंदना मैंने कितनी बार देखी ये मुझे भी पता नहीं। हाथ रक्षिका मैंने 8 बार देखी। आज भी जाने वाला था लेकिन आपने बुला लिया, मैं आ गया। मैंने उनके बारे में नहीं पूछा है। तो फिर और किसके बारे में? दिखाओ उसे। क्या? अरे उसे दिखाओ ना। अरे ये कौन है सर? बिल्कुल मेरे जैसा ही है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक रिपोर्ट में लिखा गया है पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला के खून के पीछे तुम्हारा हाथ है। What do you mean? I mean, तुम ही ये आदमी हो ऐसा हमें शक हुआ था और इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाकर पूछताछ की। दुनिया में एक जैसे दो लोग होते हैं। Hold on. दो लोग नहीं, 7 लोग। उसके जैसे और भी 5 होंगे ना सर। विष्णुवर्धन लेफ्ट हैंडेड है। हेलो, विष्णुवर्धन लेफ्ट हैंडेड है ये बात तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो तो ठीक है, ये इंक्वायरी तुमने अटेंड की उसके लिए जरा एक साइन करोगे? Can I take my documents? Please. Thank you. Excuse me, sir. If you don't mind, आप भी दाढ़ी में बिन लादेन जैसे लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़वाने में आपका ही हाथ था? He's on a mission you can never ever stop him. He's playing with the mind you can never ever guess him. He's on a mission you can never ever stop him. ऐसे ही चेक करने के लिए पुकारा। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ये अगर राजकुमार है तो विष्णुवर्धन कहाँ? ओपनर लाया था वो कहाँ है? विष्णु आजा आजा बैठना। जैसे ही तुम जेल से छूटे सबसे पहले खुशी हुई मुझे ही, मगर बेचारी अंजलि उसके साथ जो हुआ वो तुम जानते हो ना, मुझे बहुत दुख हुआ और इसीलिए ये सब पीकर मैं अपने मन को संभाल रहा हूँ। विष्णु कोर्ट में जो तुमने ड्रामा किया जानता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ये सब जानबूझ के नहीं किया। तुम्हारी शादी हो गई है? 5 साल पहले ही हो गई। शायद तू अपनी पत्नी की अहमियत नहीं जानता। तुम्हारे माँ बाप को मरे कितने साल हुए? मेरी सुरक्षा के लिए अब कोई भी नहीं है। तुझे अपनी जान प्यारी है ये चेहरे पे दिख रहा है। चल पी। काफी पी ली। और पी। Cheers. Yes. जो कुछ भी तूने किया पैसों के लिए किया ना? तेरी जायदाद कितनी है? यही 10-15 लाख की। ब्लैक मनी को मिलाकर? यही 300 करोड़ की। सर्विस कितने साल की? 3 साल की। 4 साल की। तो इतने सारे रुपए तूने जमा कैसे किए? नहीं जानता। तूने जो कोर्ट में घटिया काम किया उसकी सजा 5 साल, उसके बाद तो फिर बाहर आ जाएगा। इस जायदाद का तू क्या करेगा? उसका क्या करूंगा अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका कैलकुलेशन मैं तुझे बताऊंगा। विष्णु मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। तुम जैसा कहोगे मैं करूंगा। तेरे ऐसा करने से मेरी अंजलि तो वापस नहीं आएगी। ये तुम्हारी बदलने की उम्र नहीं है, बचने की भी उम्र नहीं है। अच्छा चल,
एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। चल बॉटल उठा, उठाओ उसे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ज्यादा स्पीड से चलाने पर फाइन हो जाएगा। अगर गाड़ी रोकी तो तू नहीं रहेगा। ओ, ओके, ओके। विष्णु बहुत जोर से लगी है, डिस्चार्ज करना है। अगर तूने गाड़ी की स्पीड कम की हाँ। तो तू डिस्चार्ज हो जाएगा। ओ, ओ, ये। ओ, 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 फोन रिसीव क्यों नहीं करता है? आज का पेपर देखा, वकील रघुराम का खून हो गया। अरे यार वो खून नहीं है, वो फुल टाइट होकर गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। वो एक्सीडेंट नहीं था, खून है, उसका नेक्स्ट टारगेट मैं हूँ। अरे यार ये तू क्या बोल रहा है, ऐसा बोल के तू अपना मजाक खुद उड़ा रहा है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये खून विष्णु ने ही किया है। अरे वो तो एड फोटोग्राफर है, कैमरा चलाना ही जानता है, गन कहाँ से चलाएगा। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं सावधान रहूंगा। हाँ एक बात बताना भूल गया, कल मेरी बर्थडे पार्टी है, ग्रीन वैली में आ जाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नाउ एंजॉय योरसेल्फ। या Hemant, पीछे करो। अरे खड़े क्यों, जाओ ना। सारे ड्राइवर पी के धुत पड़े हैं। दूंगा एक खींच के। शिट। थैंक्स। बस इतना ही, तुम्हारी जान बचाई है। कम है मैं जानता हूँ। तो फिर ज्यादा कितना? जब कोई इंसान इम्पोर्टेंट होता है तो उसका एहसान देखा नहीं जाता है, लेकिन तुम बहुत स्पेशल हो, बिकॉज तुम मेरे थॉट में रहती हो एज वेल एज मेरे हार्ट में भी। Everybody should be alert. किसी को भी चेक किए बिना जाने मत देना। Excuse me, sir. Wait, wait. उन पे अटैक किसने किया, कुछ पता चला? इन्वेस्टिगेशन चालू है, जल्दी ही पता चल जाएगा। जांच पूरी होने के बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। रिपोर्ट आते ही मैं खुद मीडिया को बताऊंगा। सर जो हेमंत है वो अब कैसे है सर? हेमंत जो है खतरे से बाहर है, उन्हें कुछ नहीं होगा, ट्रीटमेंट चल रहा है। अब्दुल्ला का खून, वकील रघुराम का प्लान मर्डर और हेमंत पर जानलेवा हमला, ये तीनों एक का ही प्लान है, विष्णु एलियस विष्णुवर्धन। सारी डिटेल्स इसमें है। और दूसरा जो कंफ्यूजन है, विष्णुवर्धन और राजकुमार का, ये दोनों एक ही हैं ऐसा मुझे शक होता है। तो फिर आप उस पर काम कीजिए ना। मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। वो काम मैं करूंगा, लेकिन मेरी उलझन ये है कि दरअसल ये है कि कॉल फॉर यू, बात कर रहा हूँ, जानते हो ना। सॉरी सर। हाँ तो सर मेरे भी बहुत सारे काम पड़े हैं,
मैंने सोचा विष्णु को तुम्हें पकड़वा दूं, इसलिए मैंने फोन किया। क्या विष्णु? हाँ मैं राणे बोल रहा हूँ। एड्रेस बोलता हूँ, जल्दी से लिखिए। ओके श्योर, बोलो। बाईपास पर मंदिर है, जानते हो? हाँ हाँ, उसके पास ही पद्मा थिएटर है। उस थिएटर के थोड़ा सा आगे जेएसएस हॉस्पिटल है। ओके। उस हॉस्पिटल के पीछे एक बड़ा सा बगीचा है। हाँ, ओके। उसी बगीचे में एक बड़ा सा बंगला है, वो वहीं पर मिलेगा। आ जाओ। सर एक जरा इमरजेंसी काम आ गया। आई विल बी बैक सून। मूव जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कोई पास नहीं जाएगा, कोई पास नहीं जाएगा। सर सर। ए चुप, अरेस्ट हिम। सर मैं विष्णुवर्धन नहीं हूँ सर। तो कौन है? राजकुमार हूँ। व्हाट? मैंने कहा ना मैं राजकुमार हूँ सर। तो फिर विष्णुवर्धन? वो भाग गया। लेकिन फोन तुमने किया था ना? हाँ मैंने ही। तो फिर वो कहाँ है? कहाँ ना भाग गया। तुझे मारा किसने? विष्णुवर्धन ने। लेकिन क्यों? फोन करा था इसलिए। किस लिए किया? मैं उसे तुम्हें पकड़वाना चाहता था। तो फोन में बताना था ना, इसीलिए तो मैंने फोन किया था ना। सर लगता है फोन करने के बाद मारा होगा। नहीं सर, मार खाने से पहले किया होगा। आई सी। सर लगता है कंफ्यूज हो गए हो। हाँ। एक बार फिर से कहूँ? हाँ कहो। ठीक है आप पूछिए। वो फोन तुमने ही किया था ना? मैंने ही। तो फिर ये सब कब हुआ? आने के बाद। तुम्हें मारा किसने? विष्णुवर्धन ने। क्यों मारा? तुम्हें फोन किया इसलिए। किस लिए? उसे पकड़वाना जो चाहता था। लेकिन ये तो फोन में नहीं बताया ना। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें फोन किया था ना सर। लेकिन तुमने तो शट अप। एम्बुलेंस बुलाओ, फौरन अस्पताल ले जाओ। ओके सर। अरे ये यहाँ पकड़ा गया क्या? सर इसे तो जेल में होना चाहिए था, ये यहाँ क्या कर रहा है? ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए? सर जैसा आप सोच रहे हैं ये विष्णुवर्धन नहीं है, राजकुमार है। कहाँ का राजकुमार? मेरी बात सुनो, कुछ लोगों का राजमहल होता है और राजमहल के राजकुमार होते हैं, और कुछ लोग अपना नाम रखते हैं और वो लोग राजकुमार की तरह जीना चाहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा इसे मारने वाला कौन है? विष्णुवर्धन। उसने इसे क्यों मारा? उसने भी आपकी तरह इसे वो समझ लिया था। वो से मतलब कौन वो? अरे विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन भला इसको क्यों मारेगा? इसे विष्णुवर्धन समझ के। लेकिन ये तो विष्णुवर्धन नहीं है ना। तुम कैसे जानते हो? अरे तुम्हें क्या पता? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। सर आपने खुद बोला ना। ओ मेरा दिमाग ही घूम रहा है। इसे मारने वाला कहाँ है? वो भाग गया। यही राजकुमार है? ये किसने बताया? इसी ने फोन पर बताया। कब बताया? मार खाने से पहले। ये कब आया? फोन करने के बाद। तब तक ये क्या कर रहा था? उसकी मार खा रहा था। उफ़। देखो ज्यादा एक्साइट मत हो और सुनो, दरअसल हुआ ये, एक ही शक्ल के दो लोग हैं। इस राजकुमार ने हमारे पास उसे पकड़वाना चाहा, लेकिन वो इसे मार के भाग गया। सर इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि हेमंत के पास ही मुझे भी ले चलो। वो यहाँ है, तू कैसे जानता है? पता कैसे जानता है? तुम और हेमंत दोनों फ्रेंड्स हो ना, जब तुम यहाँ पर हो तो हेमंत भी यहीं पर होगा ना सर। ओहो करेक्ट। आई एम सॉरी 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 सॉरी। सीबीए ऑफिसर्स बुद्धिशाली होते हैं मैंने सुना था, बट यू थ्री पीपल हैव डन ए ग्रेट जॉब, हैट्स ऑफ टू यू सर। ले जाइए इसे, यही है राजकुमार। ग्रेट। ओके टेक हिम टेक हिम। कम ऑन जाइए जाइए। ए हेमंत हेमंत, यू वोंट बिलीव इट, विष्णु का एक हमशक्ल यहाँ एडमिट हुआ है, लेकिन वो विष्णु नहीं है, वो राजकुमार है। राजकुमार? यस यस, वो राजकुमार है, ऐसा सीबीए ऑफिसर्स ने कंफर्म किया है। सो नो टेंशन, ओके, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। हे डॉक्टर आया है। ये और डॉक्टर? और नहीं तो क्या कंडक्टर है? मेरे सामने ये नाटक मत कर, सच बता तू विष्णुवर्धन है ना? ये क्या सर, तुम भी वही बोल रहे हो? मैं तो राजकुमार हूँ सर। हाँ। राज? हे, तू टीवी एंकर प्री? प्रीति। हाँ। इसे कैसे जानती है? पत्नी। क्या कहा? होने वाली। जान पहचान? हाँ। कैसे हुई? एड शूटिंग में। हाँ, एड शूटिंग में हुई। वो हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, प्यार करते हैं। हाँ। ये क्या कह रही है? तू दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकता है, मेरी आंखों में नहीं। अरे 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 सर, मेरी बात सुनिए सर, मैं सच में राजकुमार हूँ सर, मेरी बात मानिए सर। ए?
मैं तेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। तेरी आंख क्या भगवान की आंख है? भगवान की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों को मारने के लिए उसके नाम का मैंने उपयोग किया। विष्णु, प्लीज मुझे छोड़ दे। तुझे किस लिए छोड़ दूं? बस एक कारण बता दे, मैं छोड़ दूंगा। अब से कोई गलती नहीं करूंगा। उससे तू शरीफ बन जाएगा। विष्णु नहीं। मैंने कितनी तपस्या करके अंजलि को पाया, जिस बेचारे ने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, तुमने उसे ही दुनिया से उठा दिया। वो मुझे वापस लौटा दो। सच कहता हूं मैं छोड़ दूंगा। कहो, लौटा सकते हो क्या? नहीं लौटा सकते ना। हेमंत, दरवाजा खोल। सर, सुनो नहीं। तेरा वो कहाँ है? हाँ? क्यों रे, तू तो यहाँ आके ऐसे बैठी है जैसे ये तेरे बाप का गोडाउन है। यहाँ मैं मालिक की तरह बैठी हुई हूँ और तुम नौकर की तरह खड़े हुए हो। उस हिसाब से तो मेरे बाप के हुई ना। दूंगा खींच के। अच्छा ये बता, तेरे साथ में जो है वो राजकुमार है या विष्णुवर्धन? वो दोनों ही नहीं है, वो पुराने पिक्चरों का एक्टर है ना, भगवान दास, वो है। भगवान दास है? दूंगा खींच के पति से निकल जाएगी। उसकी हाइट क्या थी, इसकी हाइट क्या है? तेरी आंखों को क्या मैं जोकर दिखता हूँ?
बफून। और तेरी तो ए, विष्णु कहाँ है? नहीं बताया तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा, बोल। विष्णु अवतार पुरुष है, सबकी आंखों को नहीं दिखता है, लेकिन उसे हम सब दिखाई देते हैं। आंखें बंद करके भक्ति से पुकारोगे तो सच में दिखाई देगा। आंख बंद कर। क्या कहा? अरे आंख बंद कर। विष्णु विष्णु। हाँ, राजकुमार जो है यही है और विष्णुवर्धन भी यही है। हाँ, ये सब तेरे दिमाग में नहीं चढ़ेगा। तूने अपने डिपार्टमेंट से मेडल्स प्राप्त करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का खून कर दिया, फिर भी दिल नहीं भरा तो आम आदमी को मार दिया। इतना ही नहीं, तुम लोग अपनी वर्दी का रौब दिखाकर लड़कियों को अपना खिलौना बनाना चाहते हो। जितने लोगों को भी तुमने मारा उन्होंने तुम्हें श्राप दिया है, इसीलिए तुम्हारे जीवन का भी अंत है। ए, जैसे औरों को मारा है वैसे मुझे मार देगा, भूल जा, आज से तेरी कहानी खत्म। मैं तेरे अड्डे में आया हूँ तुझसे डर के नहीं, आज तेरा राम नाम सत्य है। इन सब से कहो कि अपने हथियार डाल दो। जल्दी बोल। अपने हथियार नीचे डाल। Yeah? विष्णु ने सिद्धार्थ को किडनैप कर लिया है, सारे चैनल्स में बोल दो और उन सबको लेके वहां पहुंचो। क्या okay. कह रहा? संभल कर। अपने को ज्यादा होशियार मत समझ, आगे मेरे आदमी हैं, पीछे पुलिस वाले हैं, तेरे बचने का कोई चांस नहीं है, ब्रेक लगा। अरे सुन, मैं जब आगे वालों को मारूंगा तो पीछे वाले अपने आप मर जाएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। जरा ऊपर देख, देखा? आगे और पीछे को तो संभाल लेगा, ऊपर के लिए क्या करेगा?
He's on a mission you can never ever stop him. He's playing with a mind you can never ever get him. Who's there? गाड़ी हटा उतर छोड़ उतर जा बस 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 आगे आने की कोशिश मत करना। गाड़ी में बॉम्ब लगा रखा है, अगर किसी ने एक कदम भी आगे रखा तो ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। होल्ड ऑन विष्णु, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। विष्णु प्लीज नो। ए, बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, तू भी मेरे साथ मरेगा। बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो तुम ही मरोगे, मैं नहीं मरूंगा। क्या कहा? मेरे अकेले के लिए रखा है। ए, ये कौन है रे? ए, बताना ये कौन है? मेरा डुप्लीकेट है, तुम्हें नर्क में पहुंचाने के लिए पार्टनर है। विष्णु मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। विष्णु मैं 5 तक गिनूंगा, अगर तुमने अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो हम गोली चला देंगे, तुम्हारा यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। 3, 4, 5. Oh shit! सर मेरी बात सुनिए, सर प्लीज। चार्ज! यहाँ है। राम जब वनवास गए तब वो केवल युवराज थे। रावण का वध करने के बाद ही उनकी भगवान मान के पूजा की गई। अब तुम्हें मैं किस नाम से बुलाऊं? विष्णु के नाम से। बेगुनाह होकर तुमने बेकार की सजा भोगी है। अब कोई गुनाह नहीं, क्योंकि गुनाह गुनहगार लोग करते हैं, प्यार करने वाले सिर्फ प्यार करते हैं। तुम भी युवराज हो, आई मीन टू से अ प्रिंस।